इंदौर में पेट्रोल पंप पर लगी आग, समय रहते पाया काबू, टैंकर से पेट्रोल खाली करते समय हुआ हादसा। शहर में उस वक्त बड़ा हादसा चल गया जब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खाली करने गए टैंकर में आग लग गई। अचानक हुए इस हादसे के बाद हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू किया। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, हालांकि कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि जीपीओ चौराहा स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल से भरा टैंकर पहुंचा था। टैंकर से पेट्रोल खाली हो ही रहा था कि अचानक आग लग गई। इससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल से भरा टैंकर पहुंचा था जिसे खाली किया जाना था, लेकिन आधा खाली हो चुका था। लेकिन इस बीच जिस पाइप से टैंक में सप्लाई की जा रही थी उसने आग पकड़ ली। आग विकराल रूप लेती उससे पहले ही कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए। हालांकि इस दौरान कर्मचारियों ने खुद की जान जोखिम में भी डाली। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। जैसे ही आग लगी वैसे ही पेट्रोल पंप के कर्मचारी हरकत में आ गए। अग्निशमन यंत्रों से उसे बुझाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज़।